फ्रेंड्स समर्स आ गए हैं और सभी को रिक्वायरमेंट है बैश सनस्क्रीन का। फ्रेंड्स आप मेंस हैं या व्यूमेंस हैं, आज की वीडियो में आप सभी से शेयर कर लेने वाली हूं एक ऐसा सनस्क्रीन फ्रेंड्स जो नॉन टॉक्सिक होने के साथ साथ नॉन कॉम्डोजेनिक है, ऑल स्किन टाइप है, नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन वाले सभी लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स बेस्ट थिंग इज दैट कि ऑक्सीबेंजोन जैसे केमिकल से फ्री है। फ्रेंड्स अगर आप सर्च करें इस तरह का कोई भी सनस्क्रीन जो कि ऑक्सीबेंजोन और एमसी फ्री, और साथ ही फ्रेंड्स जितने भी फैलेट्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं उन सबसे दूर एक ऐसा सनस्क्रीन जो आपकी स्किन को एसपीएफ 50 का प्रोटेक्शन देने वाला है, यूवीए यूवीबी रेस से प्रोटेक्ट करने वाला है, बहुत ही हाई लेवल का प्रोटेक्शन देने के साथ साथ आपकी स्किन के लिए सेफ साइड होने वाला है, नॉन एलर्जिक है, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है, किसी भी तरह का आपकी आय को आपकी स्किन को इरिटेशन नहीं देने वाला है। सो आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो टिल दैट मेरे वीडियो में बने रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फ्रेंड्स बहुत से लोग ऐसे ही बेस्ट सनस्क्रीन लिखकर सर्च करते हैं, बहुत से लोग अफोर्डेबल सनस्क्रीन या बेस्ट एसपीएफ सनस्क्रीन लिखकर सर्च करते हैं, ठीक है, बट यहां पर ये सनस्क्रीन आप सभी के पैरामीटर्स पर परफेक्ट उतरता है या नहीं, आप सभी के लिए जितनी भी जो रिक्वायरमेंट आपके क्वेश्चन मन में होते हैं उन सभी को फुलफिल कर पाता है या नहीं, उसके बारे में बात कर लेने वाली हूं। बट आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से बताना चाहती हूं, गाइज दिस इज नॉट अ स्पॉन्सरशिप वीडियो, आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल मैंने इसको परचेज किया है आपको इसका रिव्यू शेयर करने के लिए, रियल ऑनेस्ट रिव्यू की जो जो इस चीजें ये मेंशन करते हैं ऐसा इनका वर्क है या नहीं, तो उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाले कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि इस सनस्क्रीन में ऐसा क्या है जो ये बेस्ट कैटेगरी में रखा गया है, और साथ ही फ्रेंड्स ये कौन सी स्किन टाइप को सुटेबल होने वाला है, इसकी प्राइस कोस क्या है, इसका टोटल रिव्यू आप सभी से बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं रिक्विल के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी सनस्क्रीन जो है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कि केमिकल्स नहीं होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म आपकी स्किन को नुकसान दे। तो ठीक वैसे ही ऑक्सीबेंजोन और ओएमसी होते हैं जो इस तरह के केमिकल होते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे आईज को, हमारे स्किन को एलर्जी देते हैं, तो ये उस तरह की एलर्जी से फ्री आपकी स्किन को रखेगा। ऑक्सीबेंजोन और ओएमसी फ्री जैसे जो केमिकल है, कंपाउंड है, वो इसमें यूज नहीं हुए हैं। साथ ही फ्रेंड्स ये यूवीए और यूवीबी फिल्टर्स यानी कि एडवांस लेवल का इसमें यूज हुआ है जो एसपीएफ 50 से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन करने वाला है, 6 आवर का लॉन्ग प्रोटेक्शन ये आपको सन से देने वाला है। जब आप सन के एक्सपोजर में आते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो आप इसको अप्लाई करें तो 6 आवर तक आपको कुछ भी, कोई भी अनदर सनस्क्रीन क्रीम, कुछ भी लोशन लगाने की जरूरत नहीं है 6 आवर्स तक। अब मेंस हैं या व्यूमेंस हैं, 6 आवर्स तक इसको लगाने के बाद आप भूल जाए कि आपको सन से कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स ये बात कर लेते हैं कि नॉन कॉम्डोजेनिक है, सेंसिटिव ऑयली और एग्ने प्रोन स्किन। अब बात करें तो एग्ने प्रोन स्किन जिनका फ्रेंड्स जिनके स्किन पर दाने निकलते हैं, ऑयली स्किन है उनके लिए तो वरदान है ये, और सेंसिटिव स्किन वो स्किन होती है जिस पर कोई भी प्रोडक्ट इजिली सुटेबल नहीं होता है फ्रेंड्स, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूफ होने वाला है। और इसके लिए नॉन कॉम्डोजेनिक है क्योंकि आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा, तो वो सारे क्वालिटीज इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल हैं जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही थी आप सभी से कि अच्छे सनस्क्रीन में क्या चीजें होनी चाहिए। लाइट वेयर है, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है, जब भी आप लगाएंगे तो नॉन स्टिकी है, कोई ग्रीसीनेस आपकी स्किन को नहीं देगा, कोई व्हाइट कास्ट आपकी स्किन पर नहीं छोड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी ओपनिंग के बारे में फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसे ट्यूब फॉर्म में आता है, 50 ग्राम का इसका ट्यूब है गाइस, और मैंने ये अपने मतलब हस्बैंड के लिए मंगाया था, बट इसको मैं भी यूज कर लूंगी तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो मेंस और वीमेंस इसको आराम से यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। रिक्विल पर मेरा भरोसा इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि मैं इसका लोशन जो क्या बोलते हैं एंटी डैंड्रफ लोशन अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूं फ्रेंड्स, उसने 1-2 मतलब ये लगा लीजिए कि 1 से 2 बार ही आप उसको लगाएंगे। मैंने अपनी फ्रेंड को उसको दिया, उसका रिव्यू भी खुद से शेयर किया, खुद से भी मैंने यूज किया, और एक मैंने उसकी मतलब ऐसी बॉटल मंगाकर मतलब इस तरह की ट्यूब मंगाकर अपनी फ्रेंड को गिफ्ट की, उसको डेंड्रफ था, मुझे नहीं था, मैंने तो रिव्यू के लिए मंगाया था, तो फ्रेंड्स उसने भी मुझे ट्रू रिव्यू दिया और मुझे खुद से फील हुआ कि तो यार बहुत औसम है, बेस्ट है, जो ये इन्ग्रीडियंट मैंशन करते हैं वो वैसे ही पावरफुल वर्क करता है। इसीलिए इसका प्राइस कोस्ट अनदर सनस्क्रीन के कंपेरिजन में देखो तो 550 है गाइज, इसका जो प्राइस है वो 550 है 50 ग्राम की ट्यूब का, बट ये वर्क भी ऐसे ही करता है जैसा इसका प्राइस है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन आप परचेज करना चाहते हैं ऐसा सनस्क्रीन जो आप सभी के लिए एक बेस्ट सनस्क्रीन प्रूफ हो और आपको मतलब किसी अनदर प्रोडक्ट पर ना जाना पड़े, तो डेफिनेटली आपकी चॉइस
एंड हो जाएगी। इस मेरी वीडियोस और कंटेंट पसंद आते हैं गाइस तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज ओजस फिटनेस पर आपको इसी तरीके की रेगुलर बेसिस पर मैं सुबह बेबी ब्यूटी हेल्थ स्किन केयर से रिलेवेंट ऑथेंटिक वीडियोस देखने मिलेंगी। सो मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा और अपना ध्यान रखिएगा।